हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ्लिपकार्ट में किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिए हैं या किसी प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं और उस तारीख को आप अपने घर में अलाइवल नहीं है, मतलब आप अपने घर में नहीं हैं, उस ऑर्डर को आप ले नहीं सकते। तो उस ऑर्डर की डिलीवरी डेट किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, वो आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, लेकिन एक ऐसी वीडियो मैं और भी लाता रहता हूँ नई नई ट्रिक के साथ। तो चलिए, आज की वीडियो हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप ये किस तरीके से कर सकते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि भाई आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो, ऐसा कॉन्टेंट और भी आगे आपको देखने को मिलता रहे। तो देखिए, मैं आ चुका हूँ अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पर। यहाँ आने के बाद मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। अब दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, सीधा सीधा हम अपने जो है अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम माय ऑर्डर्स पर हम अपने क्लिक करते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ हमने जितनी भी शॉपिंग की होगी वो ऑर्डर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से एक ऑर्डर किया हूँ, जो उसकी ही डिलीवरी डेट जो है चेंज करके बताऊँगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ पर आए। तो देखिए, मैं जो है अपने ऑर्डर इस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ, सबसे फर्स्ट वाले में, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि मैंने इस ऑर्डर को जो है प्लेस कर दिया हूँ 21 तारीख को। ये स्पीड में भी हो चुका है, लेकिन ये जिस तारीख को आने वाला है, जैसे कि 29 जितनी भी तारीख को आने वाला है, मैं उतनी डेट को अपने घर पर नहीं रहूँगा, यानी कि बाहर रहूँगा, मैं इस प्रोडक्ट को ले नहीं सकता। तो मैं यहाँ से उसकी डिलीवरी डेट बढ़ा देता हूँ कि जब भी मैं अपने वहाँ पहुँचूँ ये उसी तारीख को मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सीधा सीधा यहाँ चेंज डेट लिखा हुआ। एक बात और शेयर करूंगा आपसे कि ये आपके में चेंज डेट करने वाला एक दिन बाद ही आए, एक से दो दिन लगेगा, उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सिंपल सा आपको इस पर चेंज डेट पर क्लिक करना है, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ देख सकते हैं आप, हमें इस तरीके से क्लिक करना है। अब देखिए, वहाँ पर 29 तारीख की डेट दी गई है। अब यहाँ से आप जो है 4-5 दिन तक की डेट यहाँ दे सकते हैं उसके एक्स्ट्रा के लिए, या तो आप 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख या 30 तारीख को, जितनी भी तारीख को आप अलाइवल हैं, मतलब उपलब्ध हैं, अपने प्रोडक्ट को ले सकते हैं, उसी तारीख को आपको यहाँ जो है सेलेक्ट करना है। किस तरीके से, जैसे कि मैंने इस 30 तारीख को ही लेना है, और जो है सबमिट वाला आइकन जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपकी फ्लिपकार्ट डिलीवरी डेट चेंज हो जाएगी। किस तरीके से, हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये देखिए प्लीज़ वेट, थोड़ा सी प्रोसेसिंग चलेगी और आपकी डिलीवरी डेट जो है चेंज हो, इस तरीके की हमारे सामने प्रोसेसिंग हो रही है। प्लीज़ वेट यूर, देखिए प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, और जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। और इस तरीके से देखिए, डिलीवरी डेट अपडेट टू संडे 30 अप्रैल, माने कि आपके द्वारा अपडेट कर दी गई है आपकी डेट। अब ये प्रोडक्ट उतनी ही तारीख को आएगा जितनी तारीख को आपने इसे जो है डिलीवरी डेट इसकी चेंज की है। तो आई होप जो मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ पर आया होगा। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सी भी हेल्प मिलती है या थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो, ऐसा कंटेंट और भी आगे आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।